तो हेलो सपोर्टर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं स्केलेटन लीव्स आर्ट। ये फ्रेश लीव लेंगे हम, पीपल के लीव्स लिए हैं मैंने, आप चाहे तो कोई से भी ले सकते हैं, मैंने ये वाले लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटन लीव्स आर्ट बनाना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऐसे एक पतीला चाहिए होगा, उसमें हम इस तरह से पानी डाल देंगे, बहुत सारा पानी, और उसमें सोक कर देंगे। इस तरह से पूरे डूब जाने चाहिए लीव्स, यहाँ तक भरेंगे हम पानी। और भी मैं डालने वाली हूँ पानी, और थोड़ा सा लेकर के पूरे डुबा देंगे हम इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पूरे डुबा दिए हमने, ज़रा भी ऊपर नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से हम कितने दिनों तक करेंगे ये बता दूं मैं, 10 से 15 दिन तक ऐसा करना होगा हमें, और हर 2 दिन में पानी चेंज करना होगा। यहाँ पर 1 हफ्ते बाद ऐसे हो गए हैं ये। एक टूथब्रश लेना है अभी हमें, और जेंटली ही हम रब करेंगे जिससे वो हरी वाली परत सारी निकल जाए और अच्छे से हमारा स्केलेटन लीव्स बन जाए। अच्छे से रब कर देंगे हम, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से भी करेंगे तो थोड़ी थोड़ी परत तो निकल ही जाएगी, और दोनों ही तरफ से करना होगा हमें, तभी बनेगा। और बहुत ही सॉफ्टली करना है, ज़्यादा घिसेंगे हम ब्रश तो लिप्स हमारे फट भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होते हैं ये लीव्स, बहुत ही नरम होते हैं, सॉफ्ट तो फट जा सकते हैं। इस वजह से हमें बहुत ही धीरे से घिसना पड़ेगा ब्रश, हाथ से भी कर सकते हैं कुछ कुछ जगह पर। ये देखिए हो गया, ये जो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है वही हमारा स्केलेटन लीव्स आर्ट है, इसी को कहते हैं। ये देखिए पूरी तरह से ऐसे ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी लीव्स पर, तब समझ जाना हमारा आर्ट बन गया है स्केलेटन लीव्स आर्ट। थोड़ा थोड़ा हरा रह गया है वो तो हम हाथ से भी निकाल सकते, इतना नरम हो जाएगा 15-20 दिनों के अंदर ही। सो सपोर्टर्स, ये देखिए बना दिया है मैंने प्रॉपर स्केलेटन लीव्स आर्ट। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो दूसरा वीडियो आएगा वो इन पे पेंटिंग करता हुआ आएगा, इनकी बॉर्डर्स पे गोल्डन कलर करने वाली हूँ, और यहाँ पर बीच में कोई अच्छी सी पेंटिंग बनाऊंगी मैं। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय सपोर्टर्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इन स्केलेटन लीव्स, सॉरी।